रोहतास के इंद्रपुरी इलाके से मानवीय रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 45 वर्षीय शख्स को अपने ही परिजनों ने जहर देकर मौत की नींद सुला दी। जहर देकर मारने का आरोप मृतक की पत्नी व 3 बेटों पर लगा है। घटना इंद्रपुरी इलाके के बढ़िया गाँव की है। वारदात के बारे में बताया जाता है कि 45 वर्षीय आलोक साह को अपने ही बेटे और पत्नी ने जहर देकर मार डाला और साक्ष्य को मिटाने के लिए बीती रात एम्बुलेंस से बनारस ले जाकर शव का अंतिम संस्कार भी कर डाला। इधर सुबह जब ग्रामीणों को शक हुआ तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 बेटा और पत्नी को हिरासत में लिया। पुलिस की माने तो मृतक आलोक साह के चाचा ने पुलिस को दिए आवेदन में मृतक की पत्नी व 3 बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर मृतक के बेटों ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि कल देर रात उन्हें उल्टी की शिकायत हुई तो इलाज के लिए नजदीक के क्लिनिक में ले गए, पर रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। एएसपी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस मृतक के 3 बेटों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हत्या है या कुछ और, तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जल्दी मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं कहा है कि कोशिश होगी कि निर्दोष जेल न जाए, पर दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार डेस्क से खुशबू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आपन बिहार। मर गया उसको जला लोग भी दिए, ऐसा ही हवा मिली तो हम लोग पूरे गांव के लोग गए तो उसके घर में देखे कि ताला बंद था। लोग इसके बाद पुलिस तत्काल आई, काम किया। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र 49-50 के लगभग थी। क्या क्या करते थे वो? पान का गुमटी चलाता था, बहुत सीधा सपाटा लड़का। आज तक उससे गांव में किसी भी आदमी से कोई झगड़ा झंझट का नामो निशान नहीं। वैसा लड़के को चले जाने से आज हमारे गांव में मातम छाया। तो क्या उनके परिजन ने हत्या की है, क्या ऐसा लग रहा है कुछ आप लोगों को? अब तो भाग जाना, फिर इसके बाद लाश जला के या कहीं करके आ जाना, तो अब तो क्या बात है, अब तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का चीज है उसमें।